सो गाइस, Z6 मार्क 3 का जो है वो फाइनली रूमर ट्रिप हो गया है, और Z6 मार्क 3 निकॉन का जो है वो कभी भी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। आप पकड़ के चलिए इंडियन मार्केट में जो है वो जनवरी एंड या फरवरी मार्च तक ये जो है वो इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में इसकी लॉन्च की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आ चुकी है। तो कैमरा बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनाने वाला है निकॉन, वीडियो फोटो को लेकर के काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज Z6 मार्क 2 ना काफ़ी पॉपुलर रहा इन बिटवीन ऑफ फोटोग्राफर्स एज वेल एज वीडियोग्राफर्स। काफ़ी अफोर्डेबल था, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकली बहुत प्राइस फ्रेंडली था, और फीचर्स बहुत सारे कंपनी ने उसमें डाल दिए थे वीडियो फोटो को लेके। तो Z6 मार्क 3 का रूमर काफ़ी स्ट्रांग आ चुका है, और लेट सी कि जो रूमर्स हम देख रहे हैं उतने फीचर आ भी जाएंगे कैमरे में या नहीं आएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आने वाले हैं, और मैं आप लोगों को बोलूँगा अगर आप Z6 मार्क 2 लेने का प्लान करें तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आप जो है वो Z6 मार्क 3 का वेट करो क्योंकि काफ़ी अच्छा कैमरा कंपनी निकालने वाली है। तो रूमर्स की बात करते हैं, तो देखिए कैमरा हमें 24 मेगापिक्सल के सेंसर में देखने को मिलेगा, 24.5 मेगापिक्सल के फुल फ्रेम सेंसर पे, वही Z माउंट हमें देखने को मिलता है। ISO जो है हम देखने को वाले हैं 1000 से 64000 ISO के बीच में। इस बार जो है वो कंपनी ना डुअल एक्सपीड 7 इंजन यूज़ करने वाली है, और इसी वजह से ये कैमरा जो है वो वीडियो के काफ़ी इंप्रेसिव फीचर्स देने वाला है। तो अभी एज पर दी रूमर 6K 30 फ्रेम प्रोरेस रॉ आप रिकॉर्ड कर पाओगे कैमरा में, जो कि सी एफ एक्सप्रेस टाइप बी कार्ड्स में रिकॉर्ड होगा। साथ साथ में 4K 120 फ्रेम तक आप जो है वो इसमें 10 बिट वीडियो इंटरनल रिकॉर्ड कर पाओगे। और इस बार Z6 मार्क 3 में फाइनली निकॉन ने सुन ली, और जो है वो एनालॉग और HLG पिक्चर प्रोफाइल हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि Z6 में नहीं थी। ठीक है, हमें या तो Z8 लेना पड़ता था या Z9 लेना पड़ता था, उसमें ये फीचर्स ऐड किए गए थे विच इज एनालॉग और HLG पिक्चर प्रोफाइल, बट बिकॉज ऑफ दे हैव यूज्ड न्यू सेंसर, न्यू एल्गोरिदम, न्यू कंप्रेशन, जिसकी वजह से जो है वो HLG और एनालॉग इस कैमरे में हमें देखने को मिलने वाला है। तो दिस गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट थिंग। इस बार इन्होंने जो है वो बेटर कूलिंग डिजाइन जो है वो इस कैमरे में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बॉडी एर्गोनॉमिक्स में हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो एडवांटेज ये रहेगा कि कैमरा ज़्यादा हीट नहीं होगा ड्यूरिंग दी वीडियो शूट्स। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है हम देखने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकसिंग, तो इस बार सेम 9 सब्जेक्ट डिडक्शन AF सिस्टम कंपनी लेके आने वाली है, जो कि हमने Z9 में देखा। Z9 का ऑटो फोकस कमाल का बनाया है इस बार कंपनी ने, तो मैं इंप्रेस था उसके ऑटो फोकस से। इवन Z8 का ऑटो फोकस भी काफ़ी इंप्रेसिंग है, और इस बार ये सेम ऑटो फोकस हमें जो है वो हमें Z6 मार्क 3 में देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं ऑटो फोकस पॉइंट की, तो लगभग 310 ऑटो फोकस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, स्टिल काफ़ी कम है सोनी से, क्योंकि सोनी के कैमरेज में आपको इन जनरल जो है वो 700-800 पॉइंट्स मिल जाते हैं ऑटो फोकस के, बट यहाँ पे 310 है। बट लेट सी के, क्योंकि Z9 का काफ़ी अच्छा ऑटो फोकस था, काफ़ी इंप्रेस था मैं, तो हो सकता है निकॉन में ये भी काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंट होकर के हमें देखने को मिले। एक अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी, बिकॉज ऑफ फाइनली कंपनीज को समझ आने लग गया है कि वीडियो अगर करना है तो वीडियो के लिए कंप्रेशन बनाने के लिए जो 6K रॉ कंप्रेशन बनाना है या 4K 120 कंप्रेशन बनाना है, वो एक प्रोसेसर से पॉसिबल नहीं है। तो अब कंपनीज जो है वो, जैसे सोनी ने भी 2 प्रोसेसर ऐड किए थे A7S3 से, जिसकी वजह से सोनी कैमराज में जो है 4K 120 फ्रेम 10 बिट का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ पाया। तो यहाँ पे सेम इन्होंने स्पीड 7 इंजन ऐड कर दिए डुअल वाले, तो एडवांटेज ये रहेगा कि अब नाउ 4K और 6K तक आप जो है वो रॉ वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अब बड़ा एक जो कंफ्यूजन मुझे है रॉ वीडियो को लेके, लेट्स सी ये इसमें इंप्लीमेंट हो पाता है नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ये एक रूमर है कि 6K 30 फ्रेम प्रोरेस रॉ आने वाला है, और कंप्रेस रॉ होगा ये, है ना, अनकंप्रेस रॉ नहीं होगा, बट लेट्स सी कि आ पाता है नहीं आ पाता है, बिकॉज ऑफ जो रॉ का फॉर्मेट का कंप्रेशन है उसका लाइसेंस जो है वो पेटेंट करा रखा है जो है वो रेड ने, और रेड के पास उसका पेटेंट है। अभी रिसेंटली उन्होंने DJI के जो सिनेमा कैमरा था उसके ऊपर भी जो है वो केस कर दिया था कंप्रेशन को लेकर के। तो जो है उनसे लाइसेंस लेना पड़ता है जब आप रॉ कंप्रेशन लेने वाले हो ना, कोई भी कैमरे में अगर आप प्रोग्रेस रॉ डालोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है रेड से, पेटेंट जो उनके पास में ऑफिशियल है। तो उसकी वजह से कैमराज की कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज आप लाइसेंस लेते हो जो है अदर ब्रांड से। तो क्योंकि एक अफोर्डेबल कैमरा होगा Z6 मार्क 3, तो लेट्स सी इसमें किस तरीके से इस 6K प्रोरेस रॉ को ये ऐड करते हैं, और कितना बढ़िया रिजल्ट हमें वो प्रोरेस रॉ Z6 मार्क 3 में देखने को मिलता है। और आएगा भी नहीं आएगा दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ नॉट कन्फर्म, बट ये है कि वीडियो को लेकर के आपको काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाएंगे, स्पेशली एनालॉग जो मुझे लगता है जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था Z6 सीरीज में, वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप जो है निकॉन का कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो
तो उसके लिए मैंने जो है वो कलर ग्रेडिंग लट बना रखी, मास्टर लट्स हैं, जिनको यूज करके आप सिंगल क्लिक में Z6 की वीडियोस को सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट कर पाओगे। तो अगर Z6 Mark 1, Z6 Mark 2 है, तो इसके अलावा Z8 है, Z9 है, आप एनलॉग शूट कर रहे हो, तो उसके लिए लट मैंने बना रखी है, जाके चेकआउट कर लेना, काफी अमेजिंग लट है। प्लस आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो उसका भी मेरा एक छोटा सा कोर्स चल रहा है, जिसको भी आप मेरी वेबसाइट से जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।